मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के प्रेरणा श्री सभागार में बृहस्पतिवार को इंडसइंड बैंक और कैश पार माइक्रो क्रेडिट के सहयोग से सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी को कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए जरूरी चिकित्सकीय उपकरण डोनेट किया गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने इंडसइंड बैंक और कैश पार माइक्रो क्रेडिट संस्था को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए डोनेट किए गए चिकित्सकीय उपकरण के लिए आभार प्रकट किया और उनके संस्थान के प्रगति की कामना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैश पार के रीजनल मैनेजर गोरखपुर जय कुमार द्विवेदी ने कहा, दिस वाज स्पेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम आउट फॉर ऑफ देयर बिजी शेड्यूल एंड फॉर द प्रेजेंस। इट इज एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू हैव ऑनरेबल सीएमओ सर ऑफ गोरखपुर एंड द टीम ऑफ इंडसइंड बैंक कैश पार ऑपरेशन फॉर अरेंजिंग सच अ वंडरफुल इवेंट। It is going to be a year fighting with COVID-19, but still, things haven't changed much for the people. The tear and the stress are still very much there, but what can protect us and make life little easy and ongoing? It is to follow proper guideline of COVID-19 issued by central government and local administration. In the same regard, to support the community in the tough time, Cashport, with the support of its one of the leading partner, IndusInd Bank, has organized this event where Cashport and IndusInd Bank together, in the presence of Honorable CMO Sir, will be donating products like PPE kit, thermal scanner, VTM machine, sanitizer, pulse oximeter, etc. to the District Hospital of Gorakhpur. Cashport appreciate and extended heartfelt thanks their partner IndusInd Bank for its contribution and CMO Sir and their team for their valuable time. Now I request RM Sir to please welcome our CMO Sir with the bouquet. आज इंडसइंड बैंक और उनके पार्टनर्स के साथ यहाँ बैठकर मुझे बहुत प्रसन्नता लग रही है, क्योंकि हमको कुछ मिल ही रहा, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिल रहा। आप सभी जानते हैं कि कोविड की महामारी वुहान से शुरू होकर पूरे जहान में फैल गई, और शायद हम में से जो यहाँ बैठे हैं किसी की उम्र ऐसी नहीं होगी कि ऐसी बड़ी महामारी किसी ने देखी हो। 100 सालों में तो फिलहाल ऐसी महामारी नहीं थी, और 100 साल का यहाँ कोई नहीं। हम सभी इसके गवाह पहली बार बने हैं कि ये पैंडेमिक इज दैट विच इज इन्वॉल्विंग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज अ पैंडेमिक, और इतनी बड़ी पैंडेमिक हम आप पहली बार देख रहे हैं, और हम अन्य शब्दों में कहें तो झेल गए। गोरखपुर में हम 24 अप्रैल तक बिल्कुल ग्रीन जोन में थे, हमारे यहाँ एक भी पॉजिटिव केस नहीं था, और उसके बाद 24 या 26 अप्रैल को दिल्ली से एम्बुलेंस द्वारा पॉजिटिव केस एक आया, जिसे हमने पहले ही रोक लिया और उसे बीआरडी में भर्ती करा, और उसके बाद तो सिलसिला इस तरह हो गया कि हम अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर में इतने ज्यादा केसेस, द हाईएस्ट ट्यून वाज 420 केस अ डे। अब एक अच्छी बात हुई है कि कोविड के केसेस डाउनफॉल की तरफ हैं, दिसंबर में खास करके यस्टरडे वी हैड ओनली 13 केसेस पॉजिटिव केसेस, जबकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी स्टिल वी आर डूइंग 3200 टेस्ट रादर मोर देन दैट एवरी डे। तो ऐसा नहीं कि टेस्टिंग हमने कम कर दी इसलिए केसेस कम है, एक्चुअली में केसेस कम है, रीजंस में भी सो मेनी, देयर मे बी अ रीजन ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, पीपल से 40% हर्ड इम्यूनिटी हैज डेवलप्ड, कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, माइग्रेंट्स आए चले भी गए वो भी रीजन है, एंड द वायरस इटसेल्फ हैज बिकम वीक, वायरस भी कमजोर हो गया, तो हम उस इस चीज को देख रहे हैं कि हमारे डाउनफॉल की तरफ कोविड हो गया है। इतनी बड़ी महामारी में हर कोई, मैं कहूँगा हमारे कितने भी जो एनजीओज हैं जिनका हम नेम नहीं कर पाएंगे, हमारे बैंकर्स, स्टेट बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, अन्य बैंक्स हैं, हमारे पत्रकार बंधुओं ने, इसमें सब ने कंधा से कंधा मिलाकर काम किया, जिसकी वजह से बहुत मिनिमम डेथ उत्तर प्रदेश में हुई और देश में भी, तमाम एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग, तमाम बड़े देश
जो अपने को मोस्ट डेवलप मानते हैं, वहां डेथ की संख्या और वहां मॉर्बिडिटी, जो मॉर्बिडिटी कहते हैं जो जिनको कोविड होता है, वो संख्या अगर आप देखेंगे तो भारत में वो उससे कहीं कम है। इसका सीधा श्रेय हमारी सरकारों को जाता है और हमारे सभी जनमानस जो मिलकर काम किए हैं उनको जाता है। यह बात सही है कि हेल्थ विभाग एक नोडल की तरह काम करता है या हेल्थ विभाग के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारे बहुत से कर्मचारी, बहुत से चिकित्सक इससे सफर भी किए। इवन माई सेल्फ, आई वॉज कोविड पॉजिटिव, माई होल फैमिली वॉज कोविड पॉजिटिव, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और हम उससे उबर कर फिर से कोविड के जो सफरर हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोगों ने खूब काम किया, मन से काम किया, तो वो जितने भी हमारे मरीज थे, जो 21,000 की संख्या हो गई है पॉजिटिव की, उनको हम लोग बचा सके और उनकी मदद कर सके, मेडिकल ट्रीटमेंट देकर, मॉरल सपोर्ट देके, चीजें देके, और हम लोगों को जिन्हें आप सब कोरोना वॉरियर कहते हैं, हमारे पूरे डिपार्टमेंट को या जो हमारे साथ और भी जुड़े हैं, चाहे वो नगर निगम में सफाई कर्मी हों, पुलिस हों, हमारे पत्रकार बंधु हों, उन सबको सभी ने पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें मुहैया कराई हैं और उससे हम काफ़ी सहूलियत से काम कर सकें अपने को बचाते हुए। आज भी एनसेन बैंक की तरफ से हमें 5,000 पल्स ऑक्सीमीटर, 2,000 इंफ्रारेड थर्मामीटर, 1,000 हैंड सैनिटाइजर, छोटा हैंड सैनिटाइजर भी 1,000, 100 ml एंड 500 ml, पीपी किट 5,000, और मास्क, N95 ग्लव्स, गॉगल्स, शील्ड्स, फेस शील्ड्स, ये करीब करीब हर आइटम जो अभी हमने पढ़ा ये 5,000, और वीटीएम भी 5,000। वीटीएम वो होता है, आप सभी को तो पता ही होगा, वीटीएम होता है जिसमें हम नेजल और ओरल सैंपल लेके रख के सील करके टेस्ट लेबोरेटरी को भेजते हैं, वो भी आपने मुझे दिया है। सबसे पहले मैं अपने हृदय से, अपने पूरे हेल्थ परिवार की तरफ से आप सबका धन्यवाद करूंगा कि ये एक अच्छी सहायता हुई है जनमानस के लिए, क्योंकि ये हमारी कोई भी चीज़ हमारे अपने लिए नहीं है, ये हम यूज़ करते हैं उस पब्लिक के लिए जिसे हमें कोविड से बचाना है। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके जज्बे को भी धन्यवाद कि आप लोग ये सोचते हैं, ऐसी चीज़ें करने को सोचते हैं समाज के लिए, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आगे आते हैं, उसमें आप भी एक हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद दूंगा, पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोरोना की महामारी में जितनी अफवाहें फैलती हैं उनका काट निकाला और उसको छापा और सच्चाई देते रहे। बचाव के क्या साधन है वो हमेशा बताते रहे। मैं आज भी इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करूंगा कि अभी भी कोरोना खत्म हो गया है ऐसा मत सोचिए, कोरोना कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए हमें कोरोना के प्रोटोकॉल्स जो भी हैं, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब करते रहना चाहिए। भीड़ भड़ाका के इलाकों से जहां पे जरूरत ना हो बचना चाहिए। अगर हम ये सावधानियां बरतेंगे तो जो सेकेंड वेव आएगी उसकी एक चर्चा थी, गोरखपुर में ऐसा नहीं हुआ। जो अब एक और नई चीज आ रही है अखबार के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन साइड में, यूरोपियन कंट्रीज में जो ये वायरस था इसने अपनी शक्ल बदल ली। वायरसेस की वैक्सीन बनाना इसलिए मुश्किल होती है कि 1-3 महीने ये वायरस किसी शेप का होता है उस पर हमें वैक्सीन के लिए ट्रायल करके हमने ढंग का बनाया और उसके बाद उसने अपनी शेप बदल ली तो हमारी वो कोशिश बेकार हो जाती। तो अभी वहां एक नया स्ट्रेन आ गया है, वो टेस्ट भी हुआ है, इसीलिए एयरपोर्ट्स पे अलर्ट जारी हो गया, वहां टेस्टिंग शुरू हो गई है, हमारी फ्लाइट्स 31 तक बंद कर दी गई हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरा स्ट्रेन आ जाए। वो ज्यादा इन्फेक्टिव है, यानी वो बहुत जल्दी फैलता है, हालांकि उससे डेथ बहुत कम होती है उस वाले वायरस से, लेकिन नया है वो भी, उसके बारे में भी बहुत जानकारी नहीं है। एक खुशी की बात है कि भारतवर्ष में भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, प्रोबेबली मिड ऑफ जनवरी या 26 जनवरी के बाद हमें वैक्सीन मिल जाएगी। उससे पहले की सारी प्रिपेयरनेस हमने कर ली है
वो वैक्सीन मिलेगी वो फेजेस में लगाई जाएगी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। उसमें चुनाव किया गया कि फर्स्ट फेज में हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे लोगों को लगे, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के चाहे प्राइवेट के हों, चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे वीआरडी मेडिकल कॉलेज के हों, एम्स के हों, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, कोई भी हो। और सेकेंड फेज में उसी तरह से थर्ड फेज में लोगों को लगाने की प्लानिंग चल रही है। 2-3 वैक्सीन मार्केट में करीब करीब थर्ड फेज की अप्रूवल पा चुके हैं, भारत बायोटेक की, जिसका नाम है कोवैक्सीन, हमारे पुणे की सीरम लैब लिमिटेड की वैक्सीन है कोवाशील्ड, और एक रशियन वैक्सीन स्पुतनिक है, वो भी 2-8 डिग्री सेल्सियस पे रखी जा सकती है। अन्य वैक्सीन -75 डिग्री पे रखी जाती हैं, जो भारतीय परिवेश में मुश्किल होती हैं। तो इन्हीं तीनों में से हमें कुछ मिलेगी। इसमें खास बात यह है कि अगर आपको भारत बायोटेक की वैक्सीन पहली डोज लगी है तो ये मैंडेटरी है कि दूसरी डोज भी भारत बायोटेक की ही लगे, किसी अन्य वैक्सीन को आप नहीं ले सकते। और वो पूरा आपके मोबाइल पे सारी मैसेजेस जाएंगी, आपको ये पता होगा कि आपको फर्स्ट डोज कौन सी लगी थी, और अगर आप बंबई चले गए तो आपको वहाँ वही वाली वैक्सीन के लिए एनलिस्ट कराना पड़ेगा। और इसी तरह हमें सप्लाई भी मिलेगी, संभवतः गोरखपुर को अगर मिलेगी तो एक ही वैक्सीन मिलेगी, ताकि कोई चूक ना होने पाए। मैं ये भी आगाह करूंगा कि वैक्सीन लगने से आप 100% सिक्योर हो गए हैं, बिल्कुल मास्क हटा दीजिए, हाथ मत धोइए, खूब घूमिए, ऐसा ना करें, क्योंकि वैक्सीन फर्स्ट डोज के बाद तो कुछ भी फर्क नहीं है, सेकेंड डोज जिसको बूस्टर डोज कहते हैं वो लग जाने के 15 दिन बाद आपके अंदर इम्यूनिटी या एंटीबॉडी डेवलप होता है, तब उसका असर आता है। और वो भी कितना डेवलप होगा, एंटीबॉडी आपके शरीर में कितने दिन रहेगी, सारी चीजें नई है। अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमें दोनों डोज लग गई, 15 दिन भी बीत गए, अब हम 15 साल के लिए फ्री हो गए, नहीं कहा जा सकता। जो लेटेस्ट स्टडी है वो 90 डेज, और एक नई स्टडी आई है कि 1 ईयर तक ही आप प्रोटेक्टेड है। तो इसलिए हमें कोविड के प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो करना है, whether we are vaccinated or not vaccinated। बहुत बहुत आप सबका समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो जितना भी हम लोग कह रहे हैं सर कम है, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि उसी के माहौल में हमारी कंपनी से भी हो सके प्रयास करके। मेरा नाम जय कुमार द्विवेदी, रीजनल मैनेजर गोरखपुर, कैशपा माइक्रो क्रेडिट। कैशपा माइक्रो क्रेडिट जो है माइक्रो क्रेडिट के द्वारा सर आज जो है गोरखपुर में जो है स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी को, स्वास्थ्य सीमो सर को एज ए बी सी इंडसिंड से मिल करके हम लोग ने पल्स ऑक्सोमीटर 5,000, आयर थर्मामीटर 2,000, हैंड सैनिटाइजर 100 ml का 1,000, हैंड सैनिटाइजर 500 ml का सर 1,000, पीपीटी किट 5,000, और बीटीएम जो है 5,000 पीस हमने प्रोवाइड कराया है सर। क्या उद्देश्य इस उद्देश्य तरह कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए हमारी कैशपा माइक्रो क्रेडिट जो है हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं। इस समय हमारी कंपनी में लगभग 10 लाख क्लाइंटें जो है हैं, जिनको 3,000 करोड़ सूक्ष्म वित्तीय संस्था अमाउंट रुपये भी प्रदान किया गया है, दिया गया है ऋण, और उनको सर देने के लिए जो है हम लोग इस उद्देश्य से दिया गया है कि इस महामारी को देखते हुए जो भी सहयोग हो सके हम लोग इस तरह से देते रहते हैं। कभी कभी गरीब सदस्यों को राशन किट या जो है इस तरह का जो है हम लोग प्रोग्राम चलाते रहते हैं सर। आगे चल के भी मेरा प्लान है कि सीमो सर से मिल करके एज ए बी सी इंडस्ट्री से बात करके जो भी स्थिति होगी हम सर आगे भी देते रहेंगे।